हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमने बहुत गहरी डीप क्लीनिंग की है और घर की साफ़ सफाई कर रही है मैं और मेरी बेटी, क्योंकि कल जो है ना, पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सैर की सगरान बोलते हैं, उसकी साफ़ सफाई चल रही है। तो हम दोनों माँ बेटी बस इसी की ही सफाई में लगे हुए हैं और सुबह ही हमने ये अभियान जारी कर दिया था। और मतलब सामान इतना था कि सेल्फ में कौन सा सामान नीचे रखे और कौन सा फेंके, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हमने बस सफाई से कर दिया, सामान पैसे का पैसा ही रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हो, इस टाइम मैं जा रही हूँ कहीं, और जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, मतलब जहाँ सरप्राइज़ है आपको, जहाँ चलो बता ही देती हूँ। मैंने उस दिन बताया था कि मैं अपनी दुकान गई थी, तो मैंने अंदर से आपको अपनी दुकान नहीं बताई थी। हमारी चिकन की शॉप है, तो मुझे थोड़ा सा काम है, तो इसलिए मैं अपनी दुकान में जा रही हूँ। तो चलिए, अब मैं आपके साथ बात अपनी चिकन की शॉप में करूँगी और बताऊँगी कि हमारी दुकान कैसी है, कैसे मेरे हस्बैंड कटिंग करते हैं, मैं आपको बताऊँगी। हाँ जी, हाँ, और बाकी वहाँ पहुँच के बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आपके साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस टाइम अपनी दुकान में पहुंच चुके थे, जो और जो इस बार जो ये शूट कर रही है वो मेरी बेटी कर रही है शूट, और मैं परली दुकान में चली गई थी। और ये दोनों पापा और बेटी ही इस दुकान में थे। और देखिए हमारी दुकान को, ये अभी चिकन काट के हाथ धो रहे थे, और जो इसमें चिकन डालते हैं उस डब्बे को भी धो रहे थे, क्योंकि ये जितनी बार भी चिकन देते हैं किसी को, तो बार बार अपने हाथ भी साफ़ करते हैं और सारे सामान को तभी धो देते हैं। और ये हमारी दुकान के पीछे का नज़ारा है, ये वाली ज़मीन हमारी ही पड़ती है और थोड़ी सी औरों की भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पहले हम यहाँ पे करियाने की दुकान हम यहाँ पे किया करते थे, और जब हमने दुकान ओपन की थी तो बच्चे जो थे ना हमारे, छोटे छोटे थे। दुकान तो अच्छी खासी चल पड़ी थी, लेकिन हमें ना घर जाने में काफ़ी देरी हो जाती थी, तो किसी कारणवश हमें दुकान बंद करनी पड़ गई। तो अभी ये फ़िलहाल दुकान जो है वो अभी तक बंद ही रखी है हमने, लेकिन सोच रहे हैं, इसका सोच विचार चल रहा है। और ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, और ये है गाड़ी के ड्राइवर जी आ रहे हैं। देखिए कितनी धीमी स्माइल पास करे, और ये डब्बे खाली करके रखे हुए हैं, और बड़े बड़े चोर आ गए हैं, और देखो निकाल रहे हैं कोई बोल पेन, ये डब्बे बोल रहे हैं हमें घर ले जाइए। तो देखते हैं कौन कौन सा सामान घर में ले जाने का है और कौन सा छोड़ने वाला है। हट वाला सिंधु नमक ले चल। और ये थी दुकान में पहली साइड, दूसरी साइड हम यहाँ पे ये छोटा सा बेड लगाया होता था, जब मतलब कृषि छोटा था ना, तो हम यहीं पर बेड लगा के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करते थे। और ये देखे अभी तक स्वेटर जो है ना, यहीं पर ही इनकी हैंग है। चलो करते हैं विचार हम बाद में क्या बनता है इस दुकान का। और शॉर्टकट रास्ते से आए थे फिर बाद में, और ये वैसे शॉर्टकट रास्ता जो है, मतलब हमारा गवर्नमेंट रास्ता पड़ता है,
और हमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो यहाँ गांव के लोगों ने मिलके ये मतलब आने जाने के लिए बांस की लकड़ियों से ये सीढ़ी लगा दी है। गिरने का भी ज़्यादा डर है। हमने तो कई बार अपनी सरकार को भी बोला इस रास्ते को मतलब ठीक कीजिए, पक्का कीजिए, तो सरकार तो आपको पता है आजकल सुनवाई करती नहीं है। मैं पहले भी आपको बताना चाहती थी इस रास्ते को, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगा और आज टाइम लगा तो सोचा बता दूं। तो ये देखिए मेरी बेटी धीरे धीरे से नीचे आ रही है, क्योंकि डर लगता कि कहीं पाँव फंस गया तो नीचे नाला चला हुआ तो उसमें गिर सकते थे। और ये क्यों डर रही है तू? मतलब जो ये लकड़ियाँ हैं इतनी सूख चुकी हैं कि मतलब इनके टूटने की आवाज़ भी आ रही थी। और अभी आप देख ही सकते हो कि मतलब लकड़ियों की सीढ़ी बनाई हुई है। ये एक साइडेड जो बना हुआ है वो हमारी पंचायत ने बनाया था, और ये वाला नीचे नाला क्योंकि इसकी एक साइड बन चुका है, और जिस साइड मैं खड़ी हूँ वहाँ पर हम दूसरी साइड बनाने के लिए अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या बोले आजकल की सरकार को सुनवाई ज़रा काम ही करती है। और ये पूरा रास्ता जो मैं बता रही हूँ अभी चलने वाली हूँ, ये पूरा रास्ता जो है ना यहाँ से लेकर हमारे दूसरे गाँव तक पड़ता और है। मैं आपको आगे तक ये कैमरा कैमरे में बताती रहूँगी कि ये रास्ता कहाँ तक गवर्नमेंट पड़ता है, क्योंकि बहुत से सारे लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है हमारी ज़मीन है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो ये किसी भी लोगों की ज़मीन नहीं है, ये गवर्नमेंट रास्ता है और PWD के अंडर आता है। और हालांकि अब सुनने में बात आई है कि PWD वाले ही इस रास्ते को बनाने से मना कर रही है, और अब क्या बोल सकते हैं, सरकारी रास्ता है मना कर रही है, यहाँ तक कि हमें आने जाने के लिए भी अभी कोई रास्ते का हमारे लिए प्रबंध नहीं है, हम यहीं से ही आते हैं। लेकिन गिरने का ज़्यादा डर रहता है। और देखिए नीचे रास्ते में कितनी इस टाइम फिसलन वाला रास्ता बना हुआ है कि वो बोलते हैं ना कि आँख हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब है। तो हम अपने घर के पास वाले गेट में पहुँच चुके थे। मैं आगे से होके बताऊँगी आपको कि ये रास्ता कहाँ तक पड़ता है, कहाँ तक पक्का होना है। ये सारा मतलब गवर्नमेंट रास्ता ही है, और यहाँ तक ये वाला रास्ता बढ़ना है,